हो गया भाई। आइए, स्वागत है आप लोगों का। एक लोग आ गए। स्वागत है अरिजीत दा, फिरोज की कविताओं के लिए। हमें खुशी है कि आप हमारी कविताएं सुनने आए। तो समय होने वाला है, बस एक मिनट बचा है और एक मिनट बाद फिर सभी लोग आएंगे। ओ देव सर, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया देव सर लाइव प्रोग्राम करने के लिए। लॉकडाउन के बाद फिर से एक प्रोग्राम करेंगे APF में। आवाज मेरी जा रही है अरिजीत दा? क्या आप सुन पा रहे हो? क्या आप सुन पा रहे हैं? उम्मीद करता हूँ आवाज जा रही होगी। सुन लेता हूँ ना इधर। ओके ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? एकदम क्लियर आवाज है। तो स्वागत है आप सभी का इस जनसरोकार मंच के लाइव प्रोग्राम में। मैं फिरोज और आप लोग हमसे सुनेंगे कविताएं। सबसे पहले तो देव सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरा ये प्रोग्राम रखा। और उससे भी ज्यादा देव सर के लिए इस बात की शुक्रिया कि वो हमेशा सभी से जुड़े रहने का निरर्थक प्रयास करते रहते हैं और इस लॉकडाउन के माहौल में भी वो सबके साथ जुड़े रहने का रास्ता निकाल लिए हैं। और ये देव सर की सबसे अच्छी और खास बात है कि वो जुड़े रहते हैं। तो मैं इसको यूज करूंगा ताकि क्लियर आवाज आए। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले फिल्म इंडस्ट्री के वो दो महान हस्ती, एक तो ऋषि कपूर जिनका निधन आज ही हुआ है और दूसरे इरफान खान जिनका कल निधन हो गया था, उन दोनों को हम सबके तरफ से एक तहे दिल से श्रद्धांजलि है। हमें दुख है कि ये 2020 पता नहीं कैसा गुजर रहा है,
जो मुसीबतों पे मुसीबतें आ रही हैं, तो कविताएं शुरू करने से पहले मैं उसमें कविताओं को लेकर कुछ बातें, जहां तक मैं सीख पाया हूँ, समझ पाया हूँ अभी तक, कि कविताएं हमारे विचारों से आती हैं। हम अपने आसपास, अगल-बगल जो देखते हैं, जो समझते हैं और जिसको हम महसूस कर पाते हैं, तो उसी को हम कागज पर उकेर देते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि आप किसी भी काम को करने, अगर आप किसी काम को करते हैं, तो आपका उस काम के प्रति प्यार, लगाव होना चाहिए। और कविताओं के लिए ये खास बात होती है, क्योंकि जब तक आपको प्यार नहीं होगा, आपका प्रेम नहीं होगा, तब आप अपने विचार को उकेर नहीं पाएंगे कागज पर। और जब प्यार होगा तो शब्द खुद ब खुद आएंगे, फीलिंग्स अपने आप आएंगी। तो मैं भी अपनी कविता की शुरुआत प्रेम से ही करूंगा, क्योंकि जिंदगी में प्रेम जरूरी है। और मेरी लिखी एक भी कविता मुझे याद नहीं है, तो मैं अपनी सारी कविताएं देखकर ही बोलूंगा। तो पहली कविता है जिसका टाइटल है किसी रोज। ये कविता है, मतलब वो इस ये कविता वो फीलिंग व्यक्त करेगी जो वो ज्यादा समझ पाएंगे जो शादीशुदा होंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आए। तो कविता का टाइटल है किसी रोज, कि किसी रोज जब मैं हार थक कर घर आऊं, तो तुम मुझे भर लेना अपने गोद में, और बुरे दिनों में अपना हाथ फेरते हुए मेरे बालों में सुला देना तुम मुझे। तुम्हारे पीरियड्स के दौरान कर दूंगा मैं घर के सारे काम, और ले आऊंगा तुम्हारे लिए चॉकलेट, जलेबियां और ढेर सारी मोहब्बतें। ऐसे ही दोनों काट लेंगे एक उम्र मोहब्बतों में, अगली उम्र की मोहब्बतें मांगते मांगते। नमस्कार रवि सर। प्रेम को दर्शाने के लिए दूसरी कविता है जिसका टाइटल है जो करते नहीं इश्क। उम्मीद है मेरी आवाज सबको पहुंच रही होगी और सब कविताएं समझ पा रहे होंगे, और जिसके पास आवाज नहीं जा रही हो वो कमेंट्स करें, जिससे कि हम लोग को मालूम पड़ सके। तो दूसरी कविता है जो करते नहीं इश्क। तो वैसे है कि जो करते नहीं इश्क वो रखते कहाँ हैं अपनी भावनाओं को, अपनी रुदन को, अपने ही अंदर जल कर बुझ जाने वाले राख को, या निर्मल धाराओं में बहते मन के शोर को, या यूं कहें कि अपने आप को। अकेलेपन से अगर कोई उबर पाए और मोहताज हो जिंदगी की खुशी के लिए, तो एक वक्त लाजिम है उसे
इश्क हो जाना चाहिए। ये शुक्रिया आप आवाज को लेकर, कविताओं को लेकर या फिर किसी चीज को लेकर आप प्रतिक्रियाएं देते रहें कमेंट्स बॉक्स में, जिससे कि हम समझ पाएं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। किसी भी तरह की प्रतिक्रिया हो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो अगली कविता है फासले। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जैसे कि मैं भी हूँ, कि वो अपने घर से दूर, बहुत सारे लड़के अपने घर से दूर जाकर पढ़ाई करते हैं या किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, और वो कई दिनों तक घर नहीं जा पाते और फिर वो अपने से ही खाना बनाकर खाते हैं या फिर खरीद कर खाते हैं, जैसे भी खाते हैं। तो उनको लेकर है कि कभी कभी जब वो अकेले बैठते हैं और अपने घर के बारे में सोचते हैं तो वो कहते हैं कि एहसास हमारे दिल के जो कभी बाहर निकल नहीं पाते, वो आंसू सूख ही जाते हैं जो कभी बह नहीं पाते। वो कहती रही कि सीख ले कुछ साथ मेरे रह के, क्योंकि मेरी बनाई रोटी आज भी गोल नहीं हो पाते। आती थी पूरे घर में जब दाल रोटी की खुशबू, आ जाती है सामने तू जब हम जली रोटी हैं खाते। सबके पसंद का खाना मिल जाता था जब बैठ के, उस समय तेरे हाथ के हम मोल समझ नहीं पाते। खो जाते हैं याद में तेरे, तुझे अब याद करके, सच बताऊं अगर माँ तो आंसू अब नहीं आते, जल जाता है खाना जब बनाते वक्त हर रोज, सच पूछो तो माँ सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं आते। डरते थे जो पापा से तो क्या बताऊं माँ तुझे, अब तो हमारी गलतियों पर वो डांटने भी नहीं आते। छोड़ दिया बचपन में ही पापा से चोरी करना, हम अक्सर बचपन में पापा के जेब से कुछ पैसे निकाल कर भाग जाया करते थे। तो उसी को लेकर है कि छोड़ दिया बचपन में ही पापा से चोरी करना, उन्होंने बताया ही नहीं कि पैसे यूं ही नहीं आते। आती है जब याद तेरी तो डर कर मैं उठ जाता हूँ, सोच के इस सफर में माँ हम कहीं पहुंच ही नहीं पाते, उम्मीद है आपको कविता पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। और ये कविता मैंने अभी हाल ही के दिनों में लिखी है, ये
27 अप्रैल को इसी लॉकडाउन के माहौल में ही लिखी है। ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे या बहुत सारे पढ़ने वाले होंगे जो फंसे होंगे, जिनको अनाज भी नहीं मिल पा रहा होगा वो, और या फिर किसी भी तरह की मुसीबतें को झेल रहे होंगे, तो उन्हें घर की याद तो आती ही होगी। तो मेरे साथ साथ उन सभी के लिए जो घर से दूर हैं, ये कविता उनको समर्पित करता हूँ मैं। अगली कविता है, एक जिंदगी, जिंदगी की इतनी अफरा तफरी है कि हम खुद को कभी समय नहीं दे पाते, हमें समय ही नहीं मिल पाता कि हम कभी बैठें कहीं पे और अपने बारे में कुछ सोचें, कि और या फिर अपने से ही खुद को पूछें कि हम कैसे हैं, या हम जो कर रहे हैं कर क्या रहे हैं, आखिर हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं। तो उन्हीं के लिए है कि वो कभी अकेले बैठें और सोचें अपने बारे में कि वर्तमान में वो है कहाँ, या अपने आप में वो है कहाँ अभी। तो उन्हीं के लिए है, और कविता का टाइटल है खिड़की। तो कविता कुछ ऐसे है कि बंद कमरे के बाहर एक अरसे बाद देखा खुला आसमान, सुना मैंने चहकती चिड़ियों की आवाजें, और देख भी लिया डोलते हुए पेड़। जिंदगी की इस अफरा तफरी में गुम हो जाने वाली मन की आवाजें सुनी मैंने, और अरसे बाद महसूस किया कि हवाएं मुझे भी छू सकती हैं। हार जीत के इस दौर में अगर समय मिले तो बैठना जरूर तुम्हारे घर के खिड़कियों पर और उन कोनों के पास जो निहारती रहती हैं तुम्हारे आसरे। शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं कविताओं को, यही बहुत है मेरे लिए। तो अलग अलग कैटेगरी है मेरे पास कविताओं की, क्या है कि जब भी मूड में जो आता है वो लिख दिया जाता है, और ऐसा होना भी चाहिए कि आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसको कागज पर उकेर दें। जब तक आप अपने अंदर की भावनाओं को लिखेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही मैं भी लिख देता हूँ, कुछ भी अगर दिमाग में आता है, कुछ भी चलता रहता है तो लिख देता हूँ। और लिखते समय एक अच्छी बात होती है कि फिर उसके आगे भी और भी विचार बनने लगते हैं, अलग अलग खिड़कियाँ खुलने लगती हैं, और इसी तरह एक फुल कविता हो जाती है। तो जिंदगी में मोटिवेशनल बहुत ज़रूरी होता है, और वो मोटिवेट चाहे माँ बाप करें या फिर दोस्त करें या फिर और कोई करें। मोटिवेट करने से सामने वाले को एक नया रास्ता मिलता है, और एक उसके अंदर अलग सा जुनून भी होता पैदा होता है, और जिस काम को लेकर वो दुखी होता है वो उस काम को आगे फिर निरंतर कर लेता है। तो
उसी को लेकर है ये, जिसका टाइटल है सफल होना। हालांकि मेरी कविताएं काफी छोटी छोटी हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खत्म हो जा रही हैं। ये भी कविता बहुत छोटी है, तो इसका टाइटल है सफल होना। तो कविता ऐसे है कि आप आसान समझते हैं सफल होना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप आसान समझते हैं सफल होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी आसान है होते होते सफल हो जाना। आप आसान समझते हैं तजुर्बेदार होना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप आसान समझते हैं तजुर्बेदार होना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी आसान होता है पढ़ते पढ़ते तजुर्बेदार हो जाना। बस करते रहिए आप जो भी कर रहे हैं, करते रहिए आप जो भी कर रहे हैं। असल बात यह है कि बड़ी मुश्किल आती है किसी भी काम को निरंतर कर जाना, बड़ी मुश्किल आती है किसी भी काम को निरंतर कर जाना। शुक्रिया। ये कविता इतनी ही छोटी थी। और ऐसी बहुत सारी कविताएं आप लोगों ने सुननी होगी। फिर ऐसा होता ही है कि एक मुद्दे पर बहुत सारे लिखने वाले बहुत सारी कविताएं लिखते हैं। बस फर्क होता है कि सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती है, अपने अपने शब्द होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं अपने फीलिंग्स को, अपने शब्दों को उकेरने की। तो उसी तरह मैं भी लिख लेता हूँ। तो ये कविता है बचपन को लेकर, और सभी बड़ों से उम्मीद करता हूँ कि अपने अंदर के बचपन को कभी न खोने दें, क्योंकि बड़ा हो जाना बहुत तकलीफ देह होता है। तो कविता है, उसका टाइटल है बचपन, और इसको मैंने लिखा था अगस्त के 2018 में, 2018 के अगस्त में। तो टाइटल है बचपन कि इस सिमटी हुई दुनिया में शामें कितनी लंबी हुआ करती हैं, घंटों गुजर जाते हैं हाथों में पतंगी डोर लिए। बहुत छोटा सा है इस जिंदगी का लम्हा और कल की कोई बुनियाद नहीं। बहुत छोटा सा है इस जिंदगी का लम्हा और कल की कोई बुनियाद नहीं। सपनों में है हमारा आने वाला कल, तमन्नाओं से भरे इस जिंदगी में हम सिर्फ भाग ही तो रहे हैं, कुछ रफ्तार धीमी कर। गठरी बांध आशाओं की उड़ चले बादलों के साथ, गठरी बांध आशाओं की उड़ चले बादलों के साथ कि बचपन फिर कभी लौटेगा नहीं, कि बचपन फिर कभी लौटेगा नहीं। शुक्रिया। आप अपने सुझाव देते रहिए ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि आप कविताएं समझ पा रहे हैं या फिर आपके पास आवाज़ जा पा रही है कि नहीं। और भी बाकी और भी किसी तरह की प्रतिक्रियाएं हो तो आप देते रहिए, या फिर कुछ अगर कविताएं को रिपीट करना हो तो भी अगर बोल सकते हैं आप लोग, कुछ कविताएं जो ना सुनाई पड़ी हो या फिर जो अच्छे लगे हों उनको। तो हालांकि कविताएं तो बहुत सारी हैं
मैं सिर्फ वही कविताएं पढ़ रहा हूँ जो मुझे खास करके अच्छी लगती हैं। हालांकि लगती सभी अच्छी हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं चुन चुन के पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पसंद आए। तो एक कविता है, वो ये मेरी पहली कविता है कि मैंने इसको इतना लंबा लिखा है, और इस कविता को मैंने 28 अप्रैल को ही लिखा था। इससे 28 अप्रैल को अभी 2 दिन ही हुआ है गुजरे। ये कविता है उन मुद्दों को लेकर, उस मुद्दे को लेकर जो समाज 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो है अमीरी और एक है गरीबी। बाकी इस पे इतना बात नहीं करूंगा क्योंकि जो बातें हैं मेरी कविताओं में ही है। कविता का टाइटल ही है गरीबी, और इस कविता में अगर आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप पूछिएगा। ये कविता है दरअसल किसी परिवार का एक आदमी है जो कहीं पर झोपड़पट्टी डाल कर रहता है। तो वो एक डॉक्टर से मिलता है और उससे बातचीत करता है, और उसी बातचीत में ही अपनी बातें रखता है। तो बातें ये हैं कि तुम्हें बताऊं मैं अपनी बीमारी को, जिसके तुम दोषी नहीं और ना ही तुम इसके रखवाले हो। तुम्हें बताऊं मैं अपनी बीमारी को, जिसके तुम दोषी नहीं और ना ही तुम इसके रखवाले हो। एक डॉक्टर होने के बाद भी तुम्हारे पास इसका कोई मर्ज नहीं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं तिलमिलाती इस दुनिया के शोर में कैसे दबा दी जाती हैं हमारी आवाजें। फिर चांद के सोने के बाद और सूरज फूटने से पहले तक चीखता हूं मैं। चांद के सोने के बाद और सूरज फूटने के पहले तक चीखता हूं मैं। तुम्हें बताऊं कि मैं हर रोज निकल पड़ता हूं सुबह होते ही और लौटता हूं शाम को दवाओं के साथ। दवा भूख मिटाने की, जिसके बिना जीवन बसर नहीं होता। तुम्हारे डॉक्टर होने के बाद भी नहीं देख सकते उदड़ी चमड़ियों को, जो ढक जाते हैं फटे लिबास के साथ। रब होता अगर हम जैसों के लिए, तो सुनता वो हमारे इस नंगे जिस्मों की आवाजें, और जानता हमारे दुबले होने का कारण। वो सीलन कहाँ से आती है मैं ये भी पूछ लेता उससे, जिससे खत्म ही नहीं होती कभी बदन के दर्द। एक डॉक्टर होने के बाद भी नहीं जानते तुम उन बीमारियों को जो बसते हैं प्लास्टिक वालों के छत के नीचे। तुम्हारे पास वक्त ही कितना है हम जैसों के लिए, ये जानते हुए कि हमारे जैसे हजारों गरीबों की कमाई से बिछा है तुम्हारे घरों में जूतों के साथ चलने के लिए शानदार पत्थरें और चमकती हुई कालीन। इस बीमारी को अपनाने में मेरा कोई कसूर नहीं, जिससे तुम घबरा रहे हो। मैं तो बस इतना कहता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई इलाज नहीं और ना ही तुम इसके दोषी हो। तुम्हारे ऊंचे ऊंचे मेडिकल कॉलेजों में या हमारे पैसों से लिए तो
तुम्हारी उन डिग्रियों में अगर इसका मर्ज मिले तो मैं नाम बताऊं इसका। और मैं जानता हूं जिसके तुम रखवाले नहीं उसका नाम गरीबी है। शुक्रिया कविता को सुनने के लिए। तो क्रियाएं होती रही। एक और कविता है मेरे पास, समय को देखते हुए मैं आखिरी कविता अपना पढ़ूंगा। प्रतिक्रियाएं देते रहिए। तो आखिरी कविता भी कुछ इसी तरह की है। इसका टाइटल है लोग। इसके शब्द अगर आप लोगों को हालांकि समझ में आएंगे, इसके शब्द थोड़ा सा उर्दूवाना है, मुझे ध्यान समझ में आएगी। तो कविता है लोग। कभी किसी खला खंडहर को देखा है? खला खंडहर मतलब खाली जगह जो बरसों से वीरान पड़ी हो, उसको उर्दू में खला खंडहर बोलते हैं। कभी किसी खला खंडहर को देखा है? कैसे वहां पर जर्द पड़े खाक और मिट्टियां, कैसे वहां पर जर्द पड़े खाक और पत्तियां और तमाम चीजें जरा सा हवा पाते ही उनके आगोश में लिपट कर वहां से हट जाने के फिराक में रहती हैं। हमारे अखलाक के लोग भी, अखलाक मतलब देश, हमारे अखलाक के लोग भी उसी खाक और पत्तियों की तरह हैं जो मजहबी इंसानों से सहमी रहती हैं। हवाओं का कोई मजहब तो नहीं होता जिससे उनको बेजर्रर होना पड़े, जिनके साथ वो दूर, कहीं दूर किसी एकांत जगह पर जाने की सोचते हैं। शुक्रिया। तो ये मेरी आखिरी कविता थी समय के अनुसार। तो रवि भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कविताएं सबको पसंद आई होंगी। तो और भी अगर आप कुछ कहना चाहते हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अंशुल सर का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। कविताएं प्रकृति प्रगतिशीलता का प्रतिनिधित्व कैसे करती हैं? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आप कुछ भी लिखते हैं, वो कविताएं हो या फिर किसी तरह के लेख हो या कोई कहानी ही हो, वो हमारे वर्तमान को देखते हुए ही लिखा जाता है और इस उम्मीद में लिखा जाता है कि हमारा आज का जो वर्तमान है भविष्य उससे बेहतर हो। तो कविताएं भी इसमें भविष्य के लिए
वर्तमान का एक सहयोग करती हैं कि किसी की भी लिखी कविता कहीं तक अगर पहुंचे और अगर वो समझ पाए तो समझ में आने के बाद प्रगतिशील के राह पर जरूर वो आगे बढ़ेगा। शुक्रिया। गरीबी वाली कविता के बाद ये गरीबी वाली कविता मैंने दरअसल हाल ही में लिखा है, उसको लिखे अभी कुछ ही दिन हुए हैं, एक ज़्यादा एक दो दिन। दरअसल कल 1 मई है और 1 मई को मजदूर दिवस है और बड़े क्या मतलब कि कुछ भी हो, वो चाहे मजदूर दिवस हो, चाहे महिला दिवस हो, या फिर किसी और कोई दिवस हो, हम मनाते तो हैं लेकिन हम सिर्फ उसी दिन मनाते हैं जिस दिन वो होती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं वो दिन को, उस दिन वो दिन जिसके लिए है उन लोगों को भूल जाते हैं। तो ये मतलब जरूरी है कि हम जिस भी दिवस को मनाएं उसको निरंतर अपने दिमाग में रखें, शायद तभी बदलाव आ पाए। और जब तक कोई चीज़ हमारे दिमाग में लगातार नहीं चलेगी तब तक हम प्रगतिशील नहीं हो पाएंगे, बदल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये कविता मैंने लिखी थी। जिस फील्ड से मैं हूँ, रंगमंच के फील्ड से, उस फील्ड से हम अपने साथियों के साथ मिलकर भरपूर कोशिश करते रहते हैं बदलाव का, समाज में कुछ बदलाव आए और समाज प्रगतिशील हो, हमारा भविष्य आने वाला कल सुखमय और सुंदर हो। तो उसी का एक, उसी प्रगतिशीलता का एक अंश है कविता जिसे मैं लिखता हूँ। तो ये कविता मैंने खास करके कल के लिए लिखी है। शुक्रिया आप सभी का। जरूर सर, आपको भी सुनेंगे, हम बात करेंगे आपसे। रामतन सर के लिए लंबा चर्चा चलेगा। सर भावनाएं हैं, विचार हैं, आ जाते हैं, और जब विचार आते हैं तो सबसे बड़ी ताकत है ही है हमारे पास, कागज और कलम उकेर देते हैं और गढ़ देते हैं। शुक्रिया कि आप लोगों को पसंद आई मेरी कविता। शुक्रिया अंशु सर, शुक्रिया बहुत बहुत राम रतन सर, शुक्रिया महेश सर आपका कि आपने कविताएं पसंद की। और भी कुछ अगर बात हो तो, और भी अगर कोई बात हो तो आप लोग जरूर साझा करें। और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, आप लोगों से मुझे जोड़ने के लिए, मेरी कविताएं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए देव सर का बहुत बहुत, मतलब कि इतना बहुत सारा शुक्रिया कि वो
हमको और आपको जोड़ पाए। और सलाम है देवसर के इस जज्बे को कि वो हमेशा सबको साथ रखने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं, सफल भी होते हैं और इस कोशिश में सफल भी होते हैं। तो इस लॉकडाउन के बाद आप सभी से मिलेंगे जरूर जन सरोकार मंच के शो में, जो इस तरह लाइव ना होकर फेस टू फेस होगा और एक दूसरे को देख पाएंगे, एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। उम्मीद है जल्द ही मुलाकात होगी आप लोगों से। शुक्रिया आप सभी का और देवसर का जन सरोकार मंच में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया, और यहाँ पर आए सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंशुल भाई कविताएं, ये तो मैं लंबी चौड़ी कहानी है कविताएं, क्या है कि पहले मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था और थिएटर जुड़ने के 2 साल बाद ही मतलब कि 1000% ये अनुभव होने लगा कि पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब पढ़ने लगा तो विचार बनने लगे, दिमाग में बंद पड़ी वो सारी खिड़कियां खुलने लगी और हम अपने फ्रेम के बाहर जा पाए। तो लगभग 2-3 सालों से ही कविताएं लिख रहे हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि अच्छा लिख पाए, लोगों के लिए लिख पाए। शुक्रिया अंशुल सर। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला, धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी आप सभी से। शुक्रिया।